हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फराज जायका। और आज हम एक मॉनसून स्पेशल डिश के साथ आए हैं, दही कड़ी विद पकोड़ा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनाना है। सो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं, ये ट्विस्ट है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने 2 स्पून या 1.5 स्पून कोकोनट मसाला ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून्स ऑफ दही, ये फ्रेश कर्ड है जो मैं ऐड कर रही हूँ, ना ज़्यादा खट्टी ना ज़्यादा स्वीट, क्योंकि थोड़ी सी सारनेस कड़ी में अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक ऐड किया और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है। आप इस बैटर को पहले अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, प्लेन वाटर ऐड करना है, यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला था तो मैं नमक डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से एक बैटर की तरह मिक्स कर ले, ताकि ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, आपकी कड़ी में बनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से आप फेंट ले, बीट कर ले, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि आप अगर एक साथ में पूरा वाटर ऐड कर लोगे तो ये फिर से अगेन लम्स आ जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ये हमारा बैटर रेडी है, एकदम स्मूथ है अभी, ये देखिए आप, इसमें कोई लम्स नहीं है। अगर आपके बैटर में यहाँ पे फिर भी लम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेनर के हेल्प से, बट इसमें क्या होगा ना, हमारे कड़ी में हमने कोकोनट मसाला ऐड किया है तो वो स्ट्रेनर में सब कुछ मसाला निकल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बीट करके, और मैंने यहाँ पर क्लोज टू 1/2 लीटर वाटर ऐड किया है। जितना आप वाटर ऐड करोगे आपकी कड़ी नीचे लगेगी नहीं बेसन के वजह से, और स्मूथ होगा टेक्सचर। तो इसको हम पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्लोज टू 10 मिनट्स। अच्छे से आप स्टर कर ले इसको, ये आप देख सकते हैं इस पे ये जो फ्रॉथीनेस आई है, जो फ्रॉथ आया है वो हमारी दही का मक्खन है। इसको आप यहीं पर, मतलब जहां पर हो आप वहीं पर गैस के पास खड़े रहकर पकाए। मुझे थोड़ी सी टर्मरिक कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी में घोल के इसको ऐड किया, तो मक्खन को उबलने ना दें, नहीं तो फिर आपकी कड़ी में वो मज़ा नहीं रहेगा। बट नॉर्मली लोग बेसन की कड़ी बनाते हैं, ये मैं कोकोनट मसाले के साथ बनाती हूँ तो इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। आप इसको अच्छा उबाल आने दें, ये हमारी दही को अच्छा उबाल आ रहा है और एकदम ही क्रीमी टेक्सचर है। अभी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, एक दूसरे बाउल में या टेम्परिंग के लिए हम ये ऐड कर रहे हैं। हमारी कड़ी को हम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए थे पककर, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऑयल और घी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी खुशबू आती है। घी में मैं ऑयल इसलिए ऐड करती हूँ ताकि घी हमारा जले नहीं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, आप चाहे तो जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, विंटर्स में बनाएं तो जिंजर भी थोड़ा सा ऐड करें। और ये यहाँ पे मैंने ढेर सारे करी लीव्स, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, हाँ, हमारी टेम्परिंग अच्छे से रेडी हुई है, और ये मैं कुछ स्लाइसेस ऑफ अनियन डाल रही हूँ, ये एक अच्छी खुशबू देता है, और ये हमने टेम्परिंग यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम इसको क्लोज टू 5 मिनट्स पकाएंगे और हमारी कड़ी रेडी है। ये एक अच्छा सा स्टर दे देते हैं इसको, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, वाव। अब हम बनाते हैं हमारे पकोड़े, तो इसको आप पकने दें क्लोज टू 5-10 मिनट्स, जब तक हम हमारे पकौड़े मिक्स करते हैं। मैंने एक बड़ा साइज का अनियन स्लाइस करके ले लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 3-4 ग्रीन चिलीज, आप अगर स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया चॉप्ड, इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक, ये डाल लेते हैं, और मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा जीरा, ये गया जीरा, और नमक। मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल बेसन के भी पकोड़े बना सकते हैं, इससे ज़रा अच्छा लगता है टेस्ट। मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ पर
दो टेबलस्पून बेसन लिया है आप, और आप अपने हिसाब से ऐड करें। पहले हम इसको अच्छा मिक्स दे देंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। ये प्याज का पानी छूटा है और मैंने यहाँ पर पानी डाल के इसको एक बैटर बना दिया है। जब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको मैंने थोड़े देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख दिया था, और अभी फ्राई करते टाइम मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा वार्म ऑयल और थोड़ा सा, एक पिंच से भी कम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोडा, खाने की सोडा। और अभी हमारा ऑयल हम चेक करते हैं गरम हुआ है या नहीं। तो हमारा ऑयल शायद से अभी गरम हो चुका है और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हमारा कांदे के पकोड़े। ये बारिश के मौसम में ये कड़ी, और साथ में आप नॉर्मल स्टीम राइस ले लो या जीरा राइस ले लो, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है। मैंने थोड़ा सा बैटर लूज रखा है, ये इसलिए यहाँ पर टिप दे रही हूँ, जितना आपका बैटर थिक होगा पकोड़े का, उतना वो कड़ी को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाएगा। जितने आपके बैटर जितना सॉफ्ट रहेगा, अगर आपको हाथ से नहीं जम रहा है तो आप स्पून की हेल्प से डाल दीजिए, बट उससे ना कड़ी और पकोड़े का जो मेल है ना, वो मज़ा आता है। अगर कड़ी के पकोड़ों में, पकोड़ों ने कड़ी एब्जॉर्ब ही नहीं की तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पर पकोड़े डाल दिए, हमारे पकोड़े गोल्डन अच्छा कलर आ गया था हमने फ्राई किया तो। और इसको आपको ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ही रखना है, क्योंकि वो कड़ी में जाकर फिर एब्जॉर्ब भी करेंगे। यहाँ पर इसको हम एक बॉईल दे देंगे और आप देखेंगे हमारे पकोड़े मोटे हो गए। ये देखिए कैसे फूक गए हैं। इसको अभी हम, ये प्लेट कर लिया है हमने, बोल में निकाल लिया है और इसको गार्निश कर लिया है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो इसे ट्राई करें, और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर विशेस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।